कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और वान्या फाउंडेशन की अनुपम पहल दान उत्सव समाप्त हुआ। समापन समारोह में सैकड़ों लोगों को दी गई सहायता, आइए देखते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि नवंबर के 5, 6, 7 इन 3 दिनों में हम लोगों ने एक एग्जीबिशन रखा था। सभी शिक्षक गण SES इंस्टीट्यूशन के सिंधी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से सभी ने एक साथ मिलकर एक प्रण लिया था कि इस पैंडेमिक इश्यू के बाद हम जितना हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश जो भी होगी हम समाज के हित के लिए काम के लिए हम काम करेंगे। तो इस अवसर पर हमने दिवाली के इस अच्छे अवसर पर हम सभी ने मिलजुल कर एक जो प्रण किया था, ये एग्जीबिशन से जो कुछ हमें एक राशि मिलेगी उस राशि का एक बहुत ही अच्छा हम उपयोग करेंगे। और हमने जैसे कि कहा था कि भगवान की दुआ से बहुत ही अच्छी राशि हमें मिली। काफ़ी उल्लासनगर के शहरवासी लोग, जितने भी सारे हमारे दोस्त थे, सभी लोगों ने यहाँ पर आके अपने इस एग्जीबिशन का बहुत अच्छा लुफ्त उठाया, उसका मज़ा लिया, काफ़ी भर भर के उसकी शॉपिंग की हुई है। हर किसी ने दियों से हमारे SES के एजुकेशन को अच्छी तरह से सजाया है, देखा है। और मैं इसका सभी का ये क्रेडिट मैं सिर्फ अपने टीचर्स को नहीं देना चाहूँगी बल्कि उल्लासनगर के जितने सारे नामांकित हस्तियों ने इस एग्जीबिशन को विजिट किया है, उन्होंने यहाँ से जो भी कुछ इतना ख़रीदा है और हमें जिस तरह से उन्होंने एक फ़ायदा दिया है, ये फ़ायदा सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए है जो शिक्षकगण, जो ब्राह्मण वर्ग और जो आर्टिस्ट कलाकारों को हम उनके कार्य के लिए, उनके हित के लिए कुछ करना चाहते थे, उसके लिए हमें जो भी एक थोड़ा सा एक सहयोग दिया हुआ है वो सहयोग के लिए मैं तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं इस खुशी के साथ कहना चाहूँगी कि उन सभी लोगों ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी इस कार्य के लिए कनेक्टेड हुए हैं उन सभी की तो दिवाली अच्छी जाए ही जाए, परंतु इस उल्लासनगर की नहीं पर विश्व में जितने भी सारे लोग हैं जो इस पीड़ा से बाहर आए हुए हैं उन सभी के घरों में, उनके जीवन में एक वास्तविक रूप में अच्छा सा एक दिया प्रज्वलित हो और उन्हें उनका जीवन खुशहाल से भरा हो और उनकी दिवाली बहुत ही अच्छी तरह से धूमधाम से वो मनाएं, खुशहाली फैलाएं, यही मैं कामना करती हूँ। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के तरफ से और वान्या फाउंडेशन की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ उल्लासनगर वासियों की नहीं बल्कि विश्व के हर कोने कोने में सभी की दिवाली बहुत ही अच्छी तरह से खुशहाल से वो मनाएं और उन सभी के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ और उनके सभी के लिए मैं दुआएँ भी दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। साथ ही मैं आज के इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने भी हमारे यहाँ से जो क्लिप्स लिए हुए हैं, पिक्चर्स लिए हुए हैं, उन सभी पिक्चर्स में सिंधु एजुकेशन को टैग करें और हैशटैग सिंधु एजुकेशन सोसाइटी करके करें या वान्या फाउंडेशन की तरफ से करें तो मैं उनकी बहुत ही आभारी रहूँ। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।